संडीला विकास खंड के एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे उर्दू शिक्षक ने बच्चों को नमस्ते और गुड मॉर्निंग की जगह अस्सलाम वालेकुम कहने का फरमान सुनाया। वहीं मामले के संज्ञान में आने के बाद आक्रोशित परिजनों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में जमकर हंगामा काटा। इसके बाद विद्यालय में मौजूद लोगों ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। वहीं BSA ने शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगते हुए जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कि वो हमारी भतीजी मंजू सिंह वहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती है और उससे हमने जब पूछा तो वो यही बोलने लगी कि एक दिन उसने उनसे सुबह गई जब यहाँ से तो उसने गुड मॉर्निंग की तो वो बोले कि ऐसा है कि हमसे गुड मॉर्निंग न किया करो, हमसे वालेकुम सलाम किया करो। वो मौलवी जी एक उसी में पढ़ाते हैं, उन्होंने ये चीज़ कही तो हम वहाँ जब प्राथमिक विद्यालय जब गए आज सुबह तो उनसे मतलब प्रिंसिपल से वहाँ हमने बताया तो उन्होंने यही कहा है कि हम मतलब इनकी हमारे संज्ञान में नहीं, उन्होंने पहले यही बताया कि हमारे संज्ञान में नहीं है और ये ऐसा है तो हम इस पर आगे मतलब कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर। एक आरोप लग रहा है कि वो स्कूल आते हैं और बच्चों को जो है ज़बरदस्ती सुबह नमस्कार की जगह गुड मॉर्निंग की जगह सलाम वालेकुम कहने के लिए मजबूर करते हैं, क्या कहना आपका है? सर अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया था, अभी आज ही सुबह गार्जियन से पता चला, बच्चे ने मुझे नहीं बताया था, अगर ऐसा मुझे मालूम हो जाता तो मैं पहले ही उन्हें समझा देती। जनपद के संडीला ब्लॉक में UPS रसूलपुर में ये अध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं, उनका नाम मोहम्मद इश्तिया खान है। इनके द्वारा वहाँ के संभवतः कुछ बच्चों के लिए सलाम करने की बात आई थी सामने, इसमें कुछ संगठनों द्वारा विरोध करने पर मामला फिर समझा बुझा करके शांत किया गया है और इसमें उनसे इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। उनका स्पष्टीकरण स्पष्ट से अगर असंतुष्ट होता है तो विभागीय नियमों के अंतर्गत कार्रवाई जरूर।